बिना विलंब के आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अलका लांबा जी कि वो आएं और इस विशेष। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जयपुर में ये प्रेस वार्ता में आप शामिल हुए। मैं अभी कल जम्मू से दिल्ली होते हुए जयपुर पहुंची हूं, भारत जोड़ो यात्रा में थे। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, संविधान का दिन है। संविधान में मिले अधिकारों को एक बार फिर से उसके प्रति अपनी वचनबद्धता को है वो दर्शाने और उसको ऊपर अपने निश्चय का दिन है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने एक पत्र मीडिया के माध्यम से जनता के लिए लिखा है। आपकी इजाजत से श्री राहुल गांधी जी का ये जो संदेश है मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि हमारी पूरी राजस्थान की जनता तक ये संदेश जा पाए। श्री राहुल गांधी जी ने लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं यह पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस पद यात्रा में हमारे साथ करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान आप सभी ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया उससे मैं अभिभूत हूं। इस यात्रा के दौरान मैंने यानी कि श्री राहुल गांधी जी ने आप सबके विचारों और उनकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुना। आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है और देश की सारी संपत्ति चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है। आज भारत में लोगों को उनकी नौकरी जाने का डर है, उनकी आय कम होती जा रही है और बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है। देश में चारों तरफ निराशा का माहौल है। आज हमारी विविधता भी खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति, एक भाषा को दूसरी भाषा से और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें भाईचारे का संदेश घर तक ले जाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। आप सब इस अभियान का हिस्सा बने और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दे जहां हर भारतीय के पास अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने के समान अवसर